जल्दी जल्दी काम करो, क्या कर रहे हो? हाँ, अच्छे से साफ करो ना, और ये सब यहाँ से उठाओ, साफ गुस्सा अच्छा। करेंगे हाँ, और चुपचाप काम करो। छोटे मालिक सो रहे हैं, खामोशी से अपना काम करो। दारू में मजा नहीं है। क्यों बे? मैं देखता हूँ हमेशा तुझे हर चीज फ्री में चाहिए होती है। ऐसा थोड़ी है। ओए, अंधा है क्या? लगता है तू फुल टल्ली हो क्या है? आजकल के लंगूर सब ऐसे ही है। चल बाहर आजा शाने। जल्दी आ। अबे बाहर आता है कि नहीं? अरे हद है, इंसान जवानी में मौज मस्ती नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा? देखिए पापा, आपकी उम्र में और मेरी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है। अरे ओ चापलूस चाचो, मुंह में जुबान है तो बोलो ना, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? वैसे देखा जाए मालिक तो छोटे मालिक दुरुस्त कह रहे हैं। क्या दुरुस्त है? उसकी फालतू की बकवास या फिर तुम्हें जो चापलूस कहा वो? उससे कहो कि संभल जाए। सुन लिया ना छोटे मालिक। क्या समझ जाऊं, कौन सा गुनाह किया? क्या मैं पीकर सड़क पर पड़ा हुआ था या हर वक्त सिगरेट पीता रहता हूँ पापा की तरह? बोलिए ना। या किसी लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा गया, कौन सा गुनाह किया मैंने? जरा पूछिए ना इनसे। अब छोटे मालिक की उम्र ही है ना मौज मस्ती करने की, तो अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा? क्या कहा आपने? जिम्मेदारी कब समझूंगा? मेरा किसी गरीब के घर पे जन्म हुआ होता तब समझता, 10 पीढ़ियां बैठ कर खाएंगी इतना पैसा है इसके लिए? सिर्फ मेरे लिए ही ना। वैसे आपकी कमाई हुई जायदाद बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो बस अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ। अच्छा पापा, आप मुझे हर वक्त कंपनी में जाओ, मीटिंग में जाओ ऐसा कहते रहते हो। अरे कौन सी कंपनी में जाऊँ मैं? सिर्फ 4 स्टेट में 40 कंपनियां हैं, और वैसे भी यहाँ पर बैठे बैठे सारे ऑफिसेज के काम हो ही जा रहे हैं, तो फिर मैं जाके क्या करूंगा? ठीक है, अगर मैं भी इन्हीं सब में लग गया तो इतना पैसा खर्च कौन करेगा? ऐसे ही चला जाएगा ना। छोटे मालिक भी आपकी ही तरह बात करते हैं मालिक। इनकी तरह नहीं, इनसे अलग सोच है मेरी। एक तो एक्सीडेंट में माँ गुजर गई और ये आ गए व्हील चेयर पर। अगर मेरे साथ भी ऐसा हादसा हो गया ना तो मेरी जिंदगी भी इन्हीं की तरह गुजरेगी। बात तो एकदम सही कह रहे हैं छोटे मालिक। माफ करना, मेरी तकदीर ने मेरे साथ जो खेल खेला उससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। मुनासिब नहीं इसके साथ भी वही हो। पापा, तकदीर ने खेला ऐसा कह रहे हो, लेकिन मैं खुद तकदीर के साथ खेलूंगा, तकदीर मेरे साथ नहीं खेलेगी। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो उसके लिए सिर्फ दौलत कमाना काफी नहीं है, नेकी भी करनी पड़ती है। कौन सा नेक काम करना है बताइए? आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। ये पाइप पीना आपको बंद करना होगा। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी आप पी रहे हैं, लेकिन मेरे खातिर छोड़ना होगा प्लीज पापा। हमेशा आपके साये में रहना है पापा। अब हुकुम कीजिए, क्या करना है मुझे? मेरी बात गौर से सुनना। इस बार मुझे रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया है, और विकास करने के लिए मुझे एक गांव दिया गया है। गांव का नाम है तोतापुर। वहां सड़क बनाने से लेकर वाटर सप्लाई तक सारा काम हमें ही करना है। काम वहां ठीक हो रहा है या नहीं ये सब देखने के लिए हमें एक टीम की जरूरत पड़ेगी। अरे यार, ये एक नेकी भरा काम है। तुम्हारे साथ जो आवारा घूमते हैं ना तुम्हारे दोस्त, उन्हें भी अपने साथ ले जाना, अच्छा काम है इसलिए। वहाँ पर कब जाना है पापा? नेक काम करने के लिए वक्त नहीं नियत चाहिए, कल ही रवाना हो जाओ। डन, ऑल द बेस्ट। हाय हाय। बुड्ढा सठिया गया है। अरे सबको सांप सूंघ गया क्या? अगर सबके दिल की बात बताऊं तो हम लोग तेरे साथ नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं। क्यों? अय्याशी करने के दिन में वो
गंगा नहाने की बात कर रहे हैं। तेरे बाप को नेक काम करना है तो मुझे गोद लेने को बोल, इससे बड़ा नेकी का काम क्या होगा। और वो भी शहर में नहीं, एक देहात में। एक देहात में बताओ। हाँ भाई सही है, लेकिन हम लोग का वहाँ गुजारा कैसे होगा। देखो भाई, मेरा पेट बहुत खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं एक नंबर दो नंबर जाकर थक गया हूँ। मेरी पीठ में दर्द है, मैं भी नहीं होगा। मेरी बात सुन, हम लोगों की जगह तू मजदूरों को 200-200 रुपए देकर अपने साथ लेके जा। गांव का क्या नाम बताया था? तोतापुर, मैनापुर, चाचापुर, मामापुर, जहाँ भी जाना है उन्हीं को लेकर जा। वो लोग हाथ जोड़ के जाएंगे तेरे साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुफ्त में चलूंगा, मेहरबानी करके ले चलिए। सर, अरे तुझे क्या हो गया यार? सर मुझे तोतापुर जाना है सर। अच्छा, बैंकॉक या सिंगापुर की तरह वो भी टूरिस्ट प्लेस है? टूरिस्ट सेंटर छोड़िए सर, खूबसूरती का गढ़ है, मस्ती का गढ़ है, रोमांस का गढ़ है। मरने के बाद भी मैं वही करना चाहता हूँ। मुझे ले चलिए सर। इसको कुर्सी पे बैठा दो, थोड़ा समझा कर बताना तो। सर वो ऐसी जगह है, आप जो काम सोच कर जाते हैं वो पूरा हो जाता है सर। और सारे स्टेट के लोग वहाँ ग्रुप में घूमने जाते हैं और अपनी जिंदगी के मजे लेते हैं सर। और तो और, वहाँ जाने पर हमारी आरती उतारी जाती है। मुझे ले चलिए सर। वहाँ जाकर अगर हमारी तबीयत खराब हो गई तो? अरे, उस गांव का नाम तोतापुर है, वहाँ जाने पर कोई भी बीमारी नहीं रहती है, सब उड़ जाती है तोते की तरह। मेरा पेट अब ठीक हो गया। अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। जिस तरह ससुराल जाने पर दामाद की खिदमत होती है, खट्टे से लेकर मीठा तक सब खिलाया जाता है, यहाँ तक कि मुर्गा बकरा भी उसके लिए हर समय हाजिर रहते हैं, उसी तरह से वहाँ जाने वालों की खिदमत की जाती है। फर्क इतना ही है कि वहाँ पर दामाद बनने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे ओ चूरन, टाइम कम है, पैकिंग नहीं करनी है क्या? चलो चलो। सर मैं भी बैग लेकर के आ जाऊँ आपके साथ। अच्छा तो ये होटल कौन संभालेगा? ये लो और चेंज भी खुद ही रख लो। मालिक को ही टिप दे दिया। सर आपने उन्हें इतने टिप दिए और आपको छोड़कर चले गए? बस देखते जाओ कितनी मार पड़ने वाली है वहाँ पे इनको, वही पता चलेगा। इसका क्या मतलब है सर? तोतापुर जैसी पाक जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, और खतरनाक भी है। लड़की को कुछ बोल दो तो घूस ही पड़ते हैं। जाने दो, जब वहाँ पड़ेगी तब इनको मजा आएगा। लेकिन सर इसमें आपका क्या फायदा? मुझसे सवाल पूछने वाला तू कौन होता है? मेरे होटल में बैठकर मेरे सामने लड़कियों की बातें करते थे वो लोग, मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने उनको तोतापुर भेज दिया। तू हंस क्या रहा है? जाके अपना काम करना, जा जा। हाय लड़कियों, प्लीज कम। अरे बिना मतलब के ब्रेक क्यों मारा? मैं ब्रेक मारूंगा तो तुम स्टीयरिंग पर सो जाओगी। अरे ड्राइवर बस क्यों रोकी? सामने दो रास्ते हैं, इनमें से तोतापुर कौन सा रास्ता जाता है? चाचा तोतापुर के लिए कौन सा रास्ता है? अरे ये बोर्ड नहीं दिखा दे रहा है क्या? हाँ? अरे ये बोर्ड नहीं दिखा दे रहा है क्या? ड्राइवर लेफ्ट लीजिए। देखिए आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आपके कॉलेज वालों ने कहा था कि समाज सेवा करेंगे, हमने हाँ कर दी, लेकिन इसी वक्त शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, हम क्या करें? इस पूरे गांव में सिर्फ यही एक बड़ा मकान है, तो उनकी व्यवस्था हमें यही करनी होगी, और कहाँ कर पाएंगे? ये क्या बात हुई भला, हमसे वो लोग अहम है क्या सरपंच जी? और सुनिए मैडम जी, आप हमारे बच्चों को कैसे पालना चाहिए, कैसे साफ सुथरे रखना चाहिए, कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, ये बताने आई है ना? लेकिन वो लोग पूरे गांव का विकास कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बिजली की सुविधा दे रहे हैं, पानी की भी सुविधा दे रहे हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि करना क्या है, वो लोग पूरे गांव की तरक्की करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अरे अगली बार आइएगा, एक गेस्ट हाउस भी बन जाएगा, आराम से रहना। अरे समाज सेवा करने से हमें मार्क्स मिलेंगे सर, तो हम अपना काम करके ही जाएंगे, ठीक है? एक काम कीजिए, पूरे गाँव में 60 घर है, जिस घर में मर्द ना हो वहाँ दो चार लड़कियाँ ठहर जाओ। और क्या, किसी और के घर में? जरा भी फिक्र मत करो बेटी, यहाँ सब अच्छे लोग रहते हैं, किसी ने भी आँख उठा कर देखा तो दुनिया से उठा दूंगा। तुमसे ना हो पाएगा चाचा, आने दो, इनकी खातिरदारी हम करेंगे। ओए, तोतापुर। ए, तू यहाँ पहले भी आया है क्या? नहीं। तो फिर तुझे सही पता कैसे? अरे पहाड़ी इलाका है ना, और तोते पहाड़ पर ही तो होते हैं। तोते सिर्फ पहाड़ पे नहीं, जू में भी होते हैं बेटा। इसे भी जू में डालते, बहुत दोस्त है इसके। अरे जू पर अपना ही कब्जा होगा। अरे हम जहाँ भी जाए कब्जा हमारा ही होता है। कोई शक नहीं। कहते हैं ऐसी अगर बात करेंगे ना तो हमारी जुबान गंदी हो जाती है, और इस तरह की बातें जो होती हैं वो पढ़ी भी नहीं जा सकती। फिल्मों को ब्लू फिल्म कहा जाता है।
और इस तरह की बातों को रंगीन बातें भी कहते हैं, रेनबो की तरह। इसीलिए लड़कियों को फुलझड़िया कहते हैं। अरे भाई, रेनबो कॉलोनी तो देखी थी, इस बार रेनबो गांव देखने को मिलेगा। ये बोर्ड पर ए क्यों लिखा हुआ है? वो इसलिए क्योंकि इस गांव के लोग सावधान रहे कि ये गांव बच्चों के लिए नहीं है। जरा सुनो बूढ़ा क्या बोल रहे हैं। मोमन का कुछ भी कहो मेरे भाई, यहाँ की सरकार को सलाम करना चाहिए। वो किस लिए? अरे गांव को ए सर्टिफिकेट दिया है। हाँ, सही है। ए सर्टिफिकेट वाली फिल्मों की तरह ही ये हम जैसों का भला कर रहे हैं। अबे शांति से बैठ, गाड़ी चले। क्या सुहा है यहाँ की। हाय, सबकी सब परम सुंदरी हैं। कैसी नाजों से हमें देखकर जा रही हैं। शहर में कहाँ ऐसी देखने मिलती है? क्या बात कर रहे हो, शहर की लड़कियों में नहीं होता है क्या? अरे क्या होता है, देखो देखो सब गड़बड़ी तो होती है उनमें। बोलिए। अरे कितना धुआं निकल रहा है, सूखी लकड़ियाँ डालना, धुएं से सबका हाल खराब हो जाएगा। चाचा क्या हो क्या रहा है? पानी गर्म हो रहा है। वो किस लिए? अरे सबसे पहले सुबह सुबह नहाना होता है ना, बाद ही सब कुछ होता है। बिल्कुल सही, नहाना होता है। लेकिन चाचा ये इतना नेक काम करेगा कौन? कल जो लड़कियाँ गाँव में आई है ना, वही। वो होटल का मालिक एकदम सही बोला था यार, बाकी का डिटेल पूछ ले इनसे। लेकिन आप पानी गर्म क्यों कर रहे हैं तो बताइए। सरपंच के कहने पर सारा खर्चा वही तो कर रहे हैं। लगता है ये सारा इंतजाम हमारे लिए है। इंतजाम तो एकदम ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। बताइए कि एक का कितना लेंगे? अरे ये क्या पूछ रहा है? महलाने का कितना लेंगे ये पूछ रहा है? अरे 50 या 100 रुपए ले लेंगे, ये तो बहुत सस्ता है ना। ये नेकी का काम है, अब इसमें पैसे क्या देखना बेटा। कोई बात, जरा उधर देखो। इसे बनाऊंगा मैं अपनी घरवाली। वो हमें ऐसे क्यों देखकर जा रही है? अरे देखेंगे ही ना, हम दोनों गॉर्जियस जो दिख रहे हैं और ये सब चोर दिख रहे हैं भाई। लगता है यही वो खास लोग हैं, इन्हें बेवकूफ बना के अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद वो गेस्ट हाउस अपना और जहां हम रुके हैं वो उनका। भाई हमें देखकर मुस्कुरा रही हैं। एक से बढ़कर एक पैटर्न है, अलग अलग शहर अलग अलग हसीनाएं। भाई वो ब्लू वाली मेरी और वो रही मेरी। आज तो मजा आएगा। अबे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे सारे के सारे बूढ़े नहा रहे हैं उनके हाथों। यहाँ चाचा लोग की मौज है। क्या बात है चाचा जी? नमस्ते बच्चों, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। इन पुरानी गाड़ियों को गैराज में रखने की जगह नहला धुला क्यों रहे हैं यहाँ पे? देखिए होगा ऐसे, पहले उनसे शुरुआत होगी फिर जवानों की बारी है, तो आप जाइए ना, जाइए। ओहो, इसका मतलब आज पहला दिन, मतलब असली जंग कल शुरू होगी। मेरे कहने का मतलब था मजा कल से आना शुरू होगा मेरे भाई। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तुझसे मुजरा करूंगा। कितना नेगेटिव बंदा है ये यार। मैं तो कह रहा था कि तू बड़ा महान है। नमस्ते बच्चों। चाचा इन गांव की लड़कियों के बारे में सारी डिटेल हम लोग को जानना हो तो कौन बताएगा? वो जो कैमरा पकड़े हुए दिख रही है ना, वो ही है, क्योंकि सारी लड़कियों को वो ही देखती है। कुछ समझ में आया? अरे बच्चों ऐसा नहीं करते। सरोज जी कैसी हैं आप? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे इसमें क्या है, ये तो बहुत ही आसान है। लड़कियों का नाम सरोज, चंपा, चमेली, जूही, इसी नाम से वो मशहूर होती हैं। और डायना, डेजी जो होती हैं वो दूसरे देश की होती हैं। हम भी तो समझना चाहते हैं। वैसे मैडम कितने सालों से ये काम कर रही हैं आप? पिछले 25 सालों से। इतने सालों का एक्सपीरियंस, बधाई हो, सिल्वर जुबली की। लेकिन इतने सालों से ये काम करते हुए आप बिल्कुल बोर नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, जितने भी साल गुजारे मुझे अच्छा लगा, उल्टा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। रिटायरमेंट के लिए अभी काफी समय है, इसलिए जी जान से काम कर रही हूँ और इसी वजह से मैंने अब तक शादी नहीं की। अगर शादी कर लेती तो एक की ही खिदमत करती, अब तो पूरी दुनिया की। मैडम आप अपनी बात छोड़िए, हमें बाकी लड़कियों का बताइए ना। अरे लड़कियाँ तो इसमें तेज है, जिस लड़कियों को इस काम में इंटरेस्ट है सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मैं अपने साथ रखती हूँ, बाकियों को तो छोटे मोटे कामों में लगा दिया है। आपको तो इनाम से सम्मानित करना चाहिए, लाजवाब आंटी। डेफिनेटली हम भी इस काम में बिल्कुल नए हैं। नए हो तो क्या हुआ, अपना हौसला बुलंद रखो,
मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। सरपंच जी ने क्या कहा कि तुम बड़े खानदानी हो और हमारे काम में दिलचस्पी भी है। हाँ, बहुत है। हम सब साथ में मिलकर। हाँ, बिल्कुल, मेरी भी यही ख्वाहिश है। वैसे हमारे दोनों ग्रुप का यही एक मकसद है ना। हाँ, बिल्कुल। तो फिर तुम्हें भी खुशी मिलनी चाहिए और हमें भी मिलनी चाहिए, तभी तो हमारी लड़कियों को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे ना। ज्यादा मार्क्स? अभी ये कोड में बोल रही है, मार्क का मतलब होता है पैसा। बहुत शातिर है यार। नहीं मैडम, ये तेल साबुन सब कुछ हमको हिलाना पड़ेगा क्या? नहीं, 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 नहीं। साबुन, तेल, शैम्पू, गर्म पानी, टॉवेल और इंजेक्शन, हर एक फैसिलिटी है हमारे पास। कौन सा इंजेक्शन मैडम? वो तो जरूरी है हाइजीन के लिए। कभी भी कोई भी कैसे भी बीमार पड़ सकता है। सेफ्टी हम सबके लिए जरूरी है। गांव वालों को इस बारे में पता नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना। अच्छा, इस सर्विस के लिए हमको कितने पैसे देने होंगे? वो तो आपकी मर्जी, आपको जो भी देना है खुशी से देना, हम मना नहीं करेंगे। आपको देखकर लगता है कि आप कम नहीं देंगे। बेशक देंगे, लुटा देंगे। क्या बोल रहे, तू शांत रह। अच्छा, हम कल मिलेंगे, चलते हैं। बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा तू। सरोज, जरा सुनना। बाय बाय। इतनी उम्र होने के बाद भी तुम जवान लड़कियों की तरह एकदम हसीन लग रही हो। तुमको जो पसंद आए उसे चुन लो, लेकिन मैंने तो तुम्हें ये क्या बकवास करके गया? मैडम, आप समाज सेवा की बात कर रही थी, वो लोग दूसरी सेवा की बात कर रहे थे। कौन सी दूसरी सेवा? मैडम, आप समझी नहीं। इनकी इतनी हिम्मत, कहाँ जा रही हैं आप? सरपंच जी से मिलकर बात करूंगी इस बारे में। कोई फायदा नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, पर सब अमीर का ही साथ देते हैं। इन्हें तो हम ही देख लेंगे, आप रहने दीजिए। वो कैसे? क्या है ये? है ये क्या है? सेफ्टी इंजेक्शन। यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ। अरे बाप रे। नहीं चाहिए मुझे। क्यों? सेफ्टी के लिए है। मुझे जरूरत नहीं है इसकी। कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं चाहिए? लेकिन क्यों? मैंने बहुत सारे कांड किए हैं, लेकिन ये सब नहीं करना। अरे क्यों नहीं चाहिए? एक बार ले तो लो, उसके बाद देखना। ओ। अरे खड़ी क्यों तुम लोग? आओ गले लग जाओ। अरे क्या हो रहा है मुझे? मुझे खुजली हो रही है। ये सेफ्टी इंजेक्शन से मुझे अनसेफ सा फील हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम में ही डिफेक्ट होगा। ये क्या कह रही हो? मैं तो एकदम इफेक्टिव हूँ यार, एकदम इफेक्टिव। क्या हुआ? क्या हुआ? थोड़ी खुजली हो रही है। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? सुसु लगी है। लगता है इंजेक्शन का असर हुआ है, इसीलिए सुसु के बहाने भाग गया। मेरी बात का बुरा मत मानना, ये सारे काम तुम करती क्यों? उठो उठो उठो, बाप रे। हाथ हो गई, चैन से नहीं बैठ सकते, क्या करूं? शक्ल से पढ़ी लिखी लगती हो, ऊपर से खूबसूरत भी हो, कोई दूसरा काम भी तो कर सकती हो ना। अब क्या है? क्या कहूँ, थोड़ी सी मजबूरी है, इसीलिए करती हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? मेरी मजबूरी मैं ही जानती हूँ। बताओ ना, तभी तो पता चलेगा। मेरा बाप ना बेवड़ा है, माँ दिन रात खांसती रहती है, और दादी के मुँह में दांत नहीं है, और दादा के हाथ में कुछ नहीं है। छोटी बहन अब आ जाए, बड़े भाई की बची ना कोई ख्वाहिश है। मौसी को रोज मौसम्बी का जूस चाहिए। चाचा को चाची पसंद है, लेकिन चाची को बस चटनी पसंद है। अब क्या करूं? ये सारे बीमारों के खानदान में तुम इतनी सही सलामत कैसे हो सकती हो? इसलिए तो सबने मुझे इस दलदल में धकेल दिया है। क्या हुआ? अरे मुझे ही संभालना है, तो मैं भी संभाल रही हूँ, बस मेरा तरीका कुछ अलग है। क्या हुआ? तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे माफ कर दो। ए, रुको। ए दिव्या, क्या हुआ? काम हो गया ना? वो बच गया। पर कैसे? मेरी मजबूरी बताई तो इमोशनल हो गया, चला गया यहाँ से। अरे बचाओ मुझे। आ, 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 आ,
मर गया, क्या करूं? अबे पीलिए, तेरी रात कैसी कटी? आधी रात में भाग गया था, बहुत खतमल थे वहाँ पर, लेकिन तू बता, तेरी रात तो बहुत अच्छे से कटी होगी ना? क्यों नहीं कटी अच्छे से? मुझे लग रहा था कि मैं मिसाइल मैन हूँ और आग में घिर गया हूँ। मेरा कहने का मतलब अच्छे से रात कटी यार। अबे वो काले फुटबॉल, तेरी रात कैसे कटी? आंटी तो पीछे ही पड़ गई, मुझसे शादी कर लो कह रही थी। वो सरोज, तो आगे क्या हुआ? तूने रिकॉर्ड नहीं बनाया क्या? नहीं भाई, नहीं बनाया मैंने, लेकिन कल रात तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसी बात है तो ये खुजाने की आवाज क्यों आ रही है तेरे पास से? मैं नया रिकॉर्ड बना रहा हूँ। सच कहूँ तो पैसा वसूल रहा थी भाई लोग। उस होटल वाले ने एकदम सही कहा था, वापस जाकर उसे टिप जरूर दूंगा मैं। अरे वो इंजेक्शन तो कमाल का था, सब खुजली से बेहाल हो गए। अरे इंजेक्शन में मैंने मच्छर का खून मिलाया था, इसलिए उन्हें इतनी खुजली आ रही थी। पर मिटाएंगे कैसे? अरे बस इतनी सी बात, वो पौधे की पत्तियाँ लगा ले तो खुजली मिट जाएगी। हाँ मैंने भी सुना है कि पौधे की पत्ती लगाने से खुजली मिट जाती है, मैंने ये बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है। अगर तुम्हारे वो आए तो उन्हें कह देना। मुझे लगा मेरा पोपट हुआ, लेकिन तुम सबको देखकर बड़ी खुशी हुई। अरे क्या कह रहे हो, हम सब लोग तो साथ में हैं। चलते जरा सुनिए, ये पैसे रख लीजिए। वो क्यों? अपने परिवार के लिए। वो तो मैं कमा लेती हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम बंद कर दो। पर क्यों? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इन पैसों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दो। नई जिंदगी? हाँ। मैं क्यों नहीं कर सकती? मिस्टर, इज्जत तो खत्म हो गई है, नई जिंदगी का क्या करूँ? समाज हमें किस नाम से बुलाता है पता है? समाज को छोड़ दो, जो समाज तुम्हारी इज्जत ना करे उस समाज का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में मत सोचो, समाज के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अरे वाह, क्या भाषण देते हो, हाथ तो मिलाओ, अगले मिनिस्टर तुम ही बनोगे देख लेना। मजाक मत करो और ये पैसे रख लो। देखो मैं और मेरा परिवार इज्जत की रोटी खाए उसका बस एक ही तरीका है। वो क्या है? मुझे मरना होगा। वैसे एक और तरीका है, शादी करके मुझे अच्छे से जिंदगी गुजारनी होगी। तो कर लो शादी। कौन करेगा शादी, वो भी मुझसे? ये तो फंस गया। मैं करूंगा तुमसे शादी। हाँ? हे, रुको 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 रुको, ये तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम हाँ कह दो तो इसी मंदिर में मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। सच कह रहे हो? एकदम सच। ओके, कल दुल्हन बनकर इंतजार करूंगी, देखते हैं आते हो या नहीं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? तू जानता है ना वो कैसी लड़की है? जानता हूँ। तो फिर शादी क्यों कर रहा है? उसकी गुजरी हुई जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो शादी के बाद बस मेरी रहे मुझे उतना ही काफी है। तो क्या हुआ, और भी तो लड़कियां हैं ना, तवायफ से शादी। आज के इस नए माहौल में लड़का क्या सिर्फ एक लड़की के बारे में सोचता है? तो लड़कियां भी वैसी ही होती हैं। जरा अपने बारे में सोच, तू भी तो बिल्कुल वैसा ही है ना, और आया बड़ा मुझे पाठ सिखाने। चाहे लड़का गलत हो या फिर लड़की गलत हो, शादी के बंधन में बंधने के बाद एक दूसरे का ही बन के रहना चाहिए। और कईयों को तो शादी करने के बाद भी टूटते हुए देखा है मैंने, और इसे मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते, और यही हकीकत है। तो कुछ मत बोल। बस अब एक लफ्ज भी और मत बोलना, मैं शादी उसी से करूंगा, वही मेरी पत्नी बनेगी। सुनो तैयारी हो चुकी है, मंगलसूत्र कहाँ है? ला मंगलसूत्र दे। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आप हमारे गाँव में ये शुभ काम कर रहे हैं ये जानकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा आपके घर वाले तो एतराज नहीं करेंगे ना? अब इसका क्या जवाब देगा? तो इस बात की फिक्र मत कर, समझाना मैं संभाल लूंगा। औरत निकलता जा रहा है, जब जल्दी आइए। लेकिन लड़की कौन है ये तो बताओ। वो लड़की है। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, संभल के जाना। बाय बाय। कॉलेज की लड़कियां थी, हमें बेवकूफ बना गई। बेटा भूत बीता।
लड़का जा रहा है, लड़की का नाम बताओ, मैं खुद लेकर आता हूँ। शायद उस लड़की को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वो नहीं आई। ए, क्या हुआ तुझे? यार उन लड़कों को बहुत परेशान किया। उन लड़कों को या उस लड़के को? बेचारा मंगलसूत्र हाथ में लेकर खड़ा था। लगता है तकलीफ हो रही है तुझे। इसका मतलब क्या है? अफसोस, जज्बात या मोहब्बत? नहीं जानती। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? सच में? अचानक कैसे? मैंने सब कुछ भुला दिया है। शुक्रिया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ पर नहीं, कहीं और। अरे बाप रे, बात करने लाई हो या यहाँ पर मुझे डराने के लिए लाई हो? बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। यहाँ से ले चलो मुझे। नाराजगी खत्म हुई या नहीं, यही जानना चाहते थे ना? ना खत्म हुई है और ना कभी खत्म होगी। विष्णु, रात के 12 बज रहे हैं, यूं तन्हा बैठकर इस तरह आसमां में क्यों नजरें गाड़े हुए हो? कहीं इश्क तो नहीं हुआ? नाम क्या है उसका? मानना पड़ेगा तेरे बाप को, एक ही दिन में तेरी शादी तय कर दी। उधर देख। सारे फूल बिक चुके हैं, मेरे तो ऐसे ही रह गए हैं। माथे पर बिंदी लगा के बेचोगी तो बिकेगा ना, दिमाग तो लगाओ। जो दिखता है वो बिकता है, दुनिया का उसूल है। साहब साहब, फूल ले लो ना, साहब ताजा है, ले लो ना। रात के 12 बज रहे हैं, सब समेटो और घर चलो। चलो चलो, समय बर्बाद कर रही हो। साहब फूल ले लो ना, साहब मेहरबानी करके फूल खरीद लीजिए ना। नहीं चाहिए। आप अपनी बीवी के लिए ले जाओ ना साहब, उन्हें अच्छा लगेगा। जब शादी हो जाएगी तब पूरी टोकरी खरीद लूंगा। अरे जल्दी करो बेटा, बेटा रोको उसे, कोई रोको उसे, मेहरबानी करके रोको उसे, वो मेरा बेटा है। विष्णु जी। पापा, अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह देते, इतनी रात को एटीएम जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वो भी 1,00,000 रुपए। पता है ना माहौल कितना खराब है, मैंने रात को एटीएम से पैसे निकाले? पापा, मैंने काफी वक्त से एटीएम का चेहरा भी नहीं देखा है। पापा एक काम कीजिए ना, आप इसको फेंक कर
एक नया कंप्यूटर ले लीजिए पापा। बाय। छोटे मालिक नाश्ता तो करके जाइए। कर लूंगा दोस्तों के साथ, हमेशा जल्दी में रहते हैं। मालिक, जब मैं छोटे मालिक का कमरा साफ कर रहा था तो मुझे उनके कमरे में ये वाला बैग मिला, तो सोचा कि आपको बताना सही रहेगा। देखिए, आप हमेशा खाने के बीच ही बोलते हैं। ये बैग नहीं, मुझे नहीं, दीजिए। इसमें 1,00,000 रुपए है, मैं आपको नहीं दे सकता। अरे 1,00,000 है तो मैं ले लूंगा क्या? लाओ इधर दो बैग, जाओ अपना काम करो। ठीक है। बच्चा झूठ बोलने लगा है, वो भी अपने बाप से। अपनी होने वाली बीबी के लिए छोटे मालिक को कुछ तोहफा खरीदना होगा, बताइए उसमें इतना क्या सोचना? जब किसी को प्यार हो जाता है तो ये सब कुछ होता ही है। नहीं नहीं मालिक, आपको नहीं कह रहा हूं, ये मैं छोटे मालिक को दे दूंगा। मैं ही तो करता हूँ। पेट्रोल कोई भी भरे, मेरी गाड़ी बस अच्छे से चलनी चाहिए। तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये पेट्रोल पंप का मालिक है, आपकी कोई कार का मैकेनिक। अबे क्या तू बड़े बाप का बेटा है या इसके साथ पढ़ाई की है? अबे तू एक कुक का बेटा है, तू जा जाकर मेरे लिए एक लेमन जूस ले गया। बकरडी और फिंगर बाउल के बीच का अंतर भी बताया गया, तूने वही तो किया है। फिंगर बाउल, अबे कमीने। अरे तुम लोग पिए हो ना, मैं अपनी इमेज बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। अरे वो तो जा रहा है। घर इधर है, वो उधर जा रहा है। लगता है उसको नशा ज्यादा हो गया है और महंगी दारू पीनी पड़ेगी। अबे बस की टिकट के लिए पैसे नहीं है, पैदल जाना तो पड़ेगा क्या? पैसे नहीं है भाई। अरे बाप रे। नमस्ते। अरे दामाद जी, इतनी रात में? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, बात क्या है? घबराइए मत ससुर जी, दिव्या से मैं बात करना चाहता हूँ, बस 5 मिनट्स। जरा संभल के दामाद जी। सॉरी ससुर। ये क्या दामाद जी, आपने शराब पी है? आप नहीं पीते हैं क्या? मैंने बस 2 घूंट पिए हैं, बस 2 घूंट। रुकिए, इस वक्त आप नशे में हैं, अगर ना मिले तो अच्छा होगा। अच्छा तो आप मुझे रोक रहे हो? आज छुड़िए, आज छुड़िए। माफ करना दामाद जी, उसकी परवरिश मैंने ऐसे नहीं की है। उसकी परवरिश कैसे हुई है, यही तो देखने आया हूँ मैं। नहीं। कहाँ है मेरी दिव्या? आप इस घर के होने वाले दामाद हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं चले जाइए। पिताजी क्या हुआ? सॉरी सॉरी ससुर। तू इस घर का दामाद है इसलिए बख्श देता हूँ, नहीं तो गाड़ देता मैं तुझे। तू गाड़ेगा मुझे? अबे इसी घर में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तुझे। बात करता है। अरे तुझे बात कर दी के तभी छोड़ो, जाने दो, वो अभी नशे में है। हाँ तो क्या, फिलहाल अपने घर जाइए, जो भी बात करनी है सुबह करेंगे। सुबह आप लोग कर लेना, मुझे अभी करनी है। अरे ये क्या बकवास कर रहा है भाई, पूरी बोतल चढ़ा रखी है। पूरी नहीं है, एक दो याद नहीं है। दिव्या, ए रुक, रुक, कहाँ हो दिव्या? बाहर निकल इसे, ए छोड़, बाहर निकालो इसे। अरे बात करने दो, छोड़ दिव्या। अरे क्या कर रहे हो? मोटे, अबे अबे मुझे पीछे से क्यों पकड़ता है? बदतमीजी क्यों कर रहा है? तुझे तो मैं इसे निकालो, को इसने मेरी टांग तोड़ दी। अरे 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 दीदी जल्दी, ये दोनों पीटे हैं। ए तुम्हारा पति पिटा है, मेरा नाम क्यों ले रही हो? चुप रहो। अरे जी आप तो सब दिव्या, दिव्या मुझे
अरे ये मेरे अरे क्या हुआ पापा? पापा क्या हो गया? दो बच्चों को चोट लगी, एक एक पैक पिला दो तभी सो जाएंगे अच्छे से। कैसी हरकत करा देख लो। व्हाट, तुम पीकर आए हो? पीकर नहीं आया हूँ, बस थोड़ी चख लिया। इससे बात करने से कोई फायदा नहीं है। दामाद का गिरफ्तार पकड़ क्या? अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। तुझे क्यों इतनी चर्बी चढ़ी है? अपने घर में कुछ भी करेगी? ढंग से बात कर, इस ड्रेस में मस्त लग रही है। आए आए, चलना तेरे को घुमाता हूँ। चला जा जा। तो मुझे जानता नहीं है। कोई इसे कौन अपनी बहन देगा? बाहर करो। नहीं 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 जाऊंगा। हमेशा पीछे से पकड़ता है। छोड़ना मुझे, छोड़, मारो कोई। मैं आया अभी। अरे सुनो, जरा संभल के। पापा प्लीज, तुम पीछे मत आओ। मैं कह रहा हूँ पीछे मत आओ, मैं उसे गोली से मार दूँगा। प्लीज पापा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। बस करो विष्णु, जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे खातिर इन लोगों को मैं जिंदा छोड़ रहा हूँ। तेरे भाई बनता है हा? बेटी से मिलने नहीं दिया, सिर्फ 5 मिनट हा? 5 मिनट मांगे तो मिलने नहीं दिया मुझे। ओए, इनके दिल छोटे हैं, बस खाली घर ही बड़ा है हा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा परिवार। Hey Divya, sirf teri khatir ha? You know why? I wanna marry you, baby! Mwah! उस लड़की से शादी करना चाहते हो क्या? तो सबसे पहले वहां जाकर उस लड़की को मनाओ। उसके भाई और बाप को मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम पहले जाकर उस लड़की को राजी करो, उसके सामने अपनी गलती की माफी मांगो। ओ पापा, मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि ना मैं वहां पर गया और ना ही कोई हंगामा किया। अच्छा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो उसके घर वाले हमारे जेवर और कपड़ों पर थूक कर चले गए और साथ ही साथ शादी भी कैंसिल कर दी, क्या वो लोग पागल हो गए हैं? और तुम सब लोग नालायक हो, कल रात तुम सब इसके साथ ही थे ना, और कल ये हद से ज्यादा नशे में भी था। कल ये कुछ ज्यादा नशे में था, इसीलिए जो कुछ भी किया वो याद नहीं है। मैंने कल ज्यादा पी थी, ये तो हकीकत है पापा, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया था। अगर बिना कोई कांड किए तुम घर आते तो दबे पाँव क्यों आते? कब आए, कितने बजे आए और किस हालत में तुम घर पे आए, ये किसी को भी नहीं पता। अरे तुम्हें खुद को भी नहीं पता। पापा, मुझ पर यकीन करना है तो करो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी।
अरे नालायको, सिर्फ दारू पीना ही दोस्ती होती है क्या? जरा जाओ, जाकर उसे अच्छे से समझाओ। कल रात को तू ऐसे ही सोया होता तो ये मामला नहीं होता ना। ए विष्णु, अब छोड़ना यार। अरे सिगरेट पिला। अभी भी सिगरेट चाहिए तुझे? ले भाई पी ले, मुझे कल ही लग गया था कि तू कुछ कांड करेगा। और नहीं तो क्या, कल रात जब तूने गाड़ी ठोकी थी ना, तब ही लग गया था मुझे। क्या कहा? मैंने गाड़ी ठोकी? तुझे याद भी नहीं है कल रात तूने क्या किया? सबूत है मेरे पास, चला जा, मैं दिखाता हूँ तुझको, चला जा। देख, पूरी गाड़ी ठोक दी तूने। अब यकीन हुआ? यहाँ देखो यार, कल इसने जो कपड़े पहने थे वो यहाँ पर कैसे आ गए? क्यों भाई, अगर अब भी झूठ बोलेगा तो कैसे चलेगा? और किसी को पता ना चले इसलिए कपड़े छुपा भी दिए। बाप के सामने मस्त एक्टिंग करता है तो बहुत बढ़िया एक्टर है भाई। अरे आज से शराब पीनी ही नहीं है मुझे। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कुछ पता नहीं चलता। तो फिर ऐसा नशा भला क्यों करना? टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा तो ठीक है, तू घर तो पहुँच गया। अब मेरी कहानी सुन। मैं अपने पड़ोसी के घर में जाके सो गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। फालतू मजाक मत करना। अभी तो एक बात बोलूं, मानेगा? हाँ बोल। सबसे पहले दिव्या को फोन कर। हेलो। हेलो, आई एम सॉरी दिव्या। यू इडियट, हाउ डेयर यू? मुझे फोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्लीज 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 फोन मत रखना दिव्या। देखो प्लीज, मैं तुमसे सच कहता हूँ, आई लव यू दिव्या। तो फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की? मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। बट वन थिंग, कसम कहता हूँ शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्लीज बस एक बार मुझे माफ कर दो ना दिव्या, प्लीज। आई लव यू दिव्या। ओके, आई एम सॉरी। ओके, आई लव यू दिव्या। ठीक है, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? और कोई रास्ता है क्या? अब भी मुझसे नाराज हो? इतनी जल्दी मान भी जाऊं? इतना तमाशा करके अब माफी मांग रहे हैं? अच्छा सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं दिव्या, अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। नहीं नहीं, यहां कदम भी रखा तो तुम्हें मार डालेंगे। कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा। क्या है, तुम्हें ये खेल लग रहा है? मुझे अभी तुमसे मिलना है दिव्या, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ओके ठीक है, ऐसा करो, यहाँ नहीं, मेरी कजिन पूजा के घर आ जाओ। ये पूजा कौन है? वही जो मंगनी वाले दिन तुम्हें सता रही थी, उसके यहाँ मिलते हैं। अच्छा सुनो। हाँ बोलो ना। पापा और भैया घर पर ही हैं, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। हाँ तुम पहुँच जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ। यस। ओ हाय, कैसे हो तुम? फाइन थैंक यू, एंड यू? आई एम फाइन, अंदर आ जाओ। अभी दिव्या का फोन था, उसने कहा तुम आने वाले हो, बैठ जाओ। क्या लोगे बताओ, कॉफी, चाय या फिर? भैया एक चीज पीने के लिए लाए हैं, बुलाऊं क्या? क्या? ब्रांडी। अरे मेरी माँ, बस चाय लेके आ जाओ, उतना काफी। कल रात के बारे में मुझे पता चला, इसलिए ऐसे ही पूछ लिया। अरे यार, तुम चाय पियो, मैं नहाने जाती हूँ। घड़ी क्यों देख रहे हो? आज छुट्टी है ना, इसलिए सोचा फेशियल कर लूँ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। अगर बोर हो जाओ तो मैगजीन पढ़ लेना, ठीक है? खूबसूरती का मैं दीवाना बन गया, मदहोश होता जा रहा हूं और तुम्हें छूने का मन कर रहा है। यू नो समथिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल एंड सेक्सी देन दिव्या। दिस इज टू मच, तुम्हारी शादी दिव्या से होने वाली है, मैं उसे बता दूंगी। तो क्या हुआ? दिव्या से शादी करके उसी के साथ जिंदगी बिताऊं, ऐसा कोई लॉ है क्या?
इनकेस अगर मैंने उसे मना कर दिया तो मेरी अगली पसंद तुम हो। नहीं नो प्लीज जाओ। दिव्या सिर्फ मेरी कजिन नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है लेकिन उसकी सारी फ्रेंड्स में तुम ही बेस्ट हो। दिव्या को कुछ पता नहीं चलेगा। कम 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 नहीं, कम 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 प्लीज नहीं विष्णु नहीं। बस 10 मिनट। अगर दिव्या को पता चल गया तो कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं विष्णु नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। इस राज को हम दोनों राजी रखेंगे। इतनी हिम्मत, दूसरों की लड़कियों को क्या समझ के रखा है तूने? किसी लड़की के साथ इतनी बदतमीजी करेगा तू? मालिक, रुक जाइए मालिक, इज्जत छोड़ेगा? शर्म नहीं आती तुझे? सारे खानदान का चुप रहो तुम, मुझे मैं माफ नहीं करूंगा। खानदान का नाम खराब करके रख दिया तुमसे, मुझे क्या उम्मीद रही थी? क्या कर दिया तूने? मेरा बेटा कितना बुरा हो, लेकिन ये हरकत नहीं कर सकता। ये मुझे पता था, तूने तो मेरे नाम व्यक्ति में मिला दिया। आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना मुझे, चुप रहो। आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं है, समझा? और ना ही मैं तेरा बाप हूँ। किस पर इतना गुस्सा कर रहे हैं, खुद पर या छोटे मालिक पर? पापा, पापा, मैं आपकी कसम खाता हूं पापा, मैं उस लड़की के घर जरूर गया था, लेकिन वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता पापा। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा यकीन कीजिए पापा, मैं कसम खा रहा हूं पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उसे क्या हुआ है मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। वो जानकर कर रहा है या अनजाने में कर रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर, एक बार आप उसे देख लीजिए और हकीकत का पता कीजिए, लेकिन एक चीज उसे पता ना चले। बोलिए। ये बात हम दोनों के बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं उसे इस हॉस्पिटल में नहीं, आपके नर्सिंग होम में लेकर आता हूँ। आप किसी बहाने से उसका चेकअप कर लीजिए। बस मैं यही चाहता हूँ आपसे, उसे ऐसा ना लगे कि उसका बाप भी उसे पागल समझ रहा है। वो टूट जाएगा डॉक्टर, वो टूट जाएगा। आज सुबह एक ऐसा ही केस आया था। कह रहा था पापा को पता चलेगा तो उनको बहुत दुख पहुंचेगा। कहता था भगवान के लिए उन्हें मत बताइएगा। ऐसी बात करके सामने चेकअप करवा रहा है, देख लीजिए। सारे टेस्ट हो चुके हैं, ये फाइनल टेस्ट है। ये स्प्लिट पर्सनालिटी भी हो सकती है, सेलेक्टिव एमनीशिया भी हो सकती है। इस तरह के केस में ऐसे मरीज जो कुछ करते हैं अगले पल उसे भूल भी जाते हैं। इसका इलाज इलेक्ट्रो कंपल्शन थेरेपी, इसे ECT भी कहते हैं, उससे कुछ आराम होता है। आपका मतलब शॉक ट्रीटमेंट? यस। नो, नहीं डॉक्टर, नो शॉक ट्रीटमेंट। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ना ही मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा डॉक्टर। शुरुआत में दवा से कंट्रोल हो जाए तो ठीक, नहीं तो बाद में सीरियस हो सकता है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो घर के बाहर जाएगा तभी तो कुछ करेगा ना। मैं उसे कहीं जाने ही नहीं दूंगा। यस डॉक्टर, आई विल टेक केयर।
क्या कर रहे हैं आप? छोटे भाले, छोटे भाले, छोटे भाले, ये क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे को। छोटे भाले क्या क्या कर रहे थे? मार के रहूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ऐसा मत कीजिए, ऐसा करना गलत है। रुक जाइए। किसने किया? किसने किया? तुम्हें चाकू किसने मारा? ये आपके बेटे ने किया है मालिक। मेरे बेटे ने? मालिक। लेकिन क्यों? वो मुझे नहीं मारना चाहते थे, वो आपको मारना चाहते थे। कहाँ है वो? तुम सब ऐसे देख क्यों रहे हो? हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। जल्दी करो। हे भगवान। ए, ये सब क्या है? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। ए, मेंटल हॉस्पिटल फोन लगाओ। पापा 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 देखिए ना पापा, मुझे लोग शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पापा पापा प्लीज, पापा पापा मुझे डर लग रहा है। पापा प्लीज, पापा पापा प्लीज मुझे निकालिए यहाँ से। हिम्मत पापा, मैं शॉक ट्रीटमेंट नहीं ले सकता। पापा पापा मुझे बचाइए। पापा पापा, मैंने रामू काका को नहीं मारा। पापा प्लीज, आप समझिए ना पापा, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? पापा मुझे बचाइए। पापा प्लीज ले जाइए मुझे यहाँ से। ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा, आप थोड़ी हिम्मत। डॉक्टर, कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या इसे ठीक करने का? हिम्मत मुझे दर्द हो रहा है, इसे ऐसा देखकर प्लीज इसे बचाइए। ऐसा मत कीजिए इसके साथ, इसे कुछ नहीं होगा। इसके शॉक ट्रीटमेंट रुकवा दीजिए, बेहतरी के लिए ही हो रहा है। प्लीज डॉक्टर, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। डॉक्टर इसे बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर, इसका दर्द मैं सह नहीं पा रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर बचा लीजिए इसे, इसे किसी और तरीके से ठीक कीजिए। डॉक्टर आप थोड़ा धीरज रखिए। प्लीज डॉक्टर। ये लो मेरा बच्चा, खा लो। चलो मुंह खोलो, देखो वो, देखो देखो चांद। अभी हम उसी के पास चले जाएंगे, चलोगे ना? देखो लेने आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। देखो वो रहा चांद, देखो बेटा वो रहा, हमें लेने आ रहा है। हम चांद के पास चलेंगे। अरे, अरे वो मेरे बच्चे को ले गए। अरे देखो जल्दी, अरे मेरे बच्चे को ले गए, बचाओ मुझे। मेरे बच्चा, अरे वो मेरे बच्चे को ले गए। मेरे बच्चे को दे दो मुझे। तेरे बिना क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा? मैंने तुझे जानबूझ के मारा, नहीं तो वो लोग ना, वो लोग तुझे जान से मार देते, जान से मार देते। बस अच्छा ठीक है, चाहे तो तू भी मुझे मार, मार ले, मार ले मुझे, मार ले, मार ले। ये सब किसकी वजह से हो रहा है पता है? किसकी वजह से हो रहा है पता है? वो जो वहां लेटा है ना, ए उठा, ए बुड्ढे, अरे उठ ना बुड्ढे, ए उठ, ए ए ए, खा के यहाँ पर पड़ा हुआ है, तुझे मैं इसका ख्याल रखने का पैसा देता हूँ। मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए मैं तुझे पैसा देता हूँ, चल वो पैसा ला। अरे रुक जा, मैं दो घूंट मार कर बताता हूँ पैसे कहाँ है। नहीं पीगा, नहीं पीगा। अरे इतने साल जो बात तूने छुपाई थी वो मुझे पता चल गई, पता चल गई है मुझे, सब कुछ पता चल गया मुझे।
वो भी इसी शक्ल की वजह से वहाँ दूसरी शादी भी कर लिया है। उसका एक बेटा भी है, मेरे जैसा एक बेटा भी है। तूने कहाँ उसे देखा? इसी शहर में है वो। तूने मुझसे छुपा के रखा था। वो लोग वहाँ सुख से जी रहे हैं और मेरी यहाँ पर ये हालत है। ये सब तेरी वजह से हुआ। जिसने मेरी माँ का ऐसा हश्र किया हो वो वहाँ पर कैसे सुख चैन से रह सकता है? उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। कहाँ देखा उसे? सब पता लगा कर आया हूँ। इतने सालों से तूने जो बात मुझसे छुपा कर रखी थी उसका पता मैंने कर लिया है। अब मरेगा वो, सुन रहा है तू? अब मरेगा। बचपन से तू जिस बाप को मारना चाहता था उसे देख लिया क्या? क्या बोला? उसको देख रहा है? मेरी माँ ने जवानी से लेके अब तक अकेलापन भोगा है, देखा है तूने? सोच सकता है इसके बारे में? तूने उसे मार दिया? अरे वो भाग गया। नहीं 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 नहीं, मैंने खुद भगा दिया है, नहीं तो मैं पकड़ा जाता और मैं पकड़ा जाता तो मेरी माँ का क्या होता? इसलिए मैंने खुद उसे भगाया। आपको मार के वही जिस पर वो अपनी जान छिड़कता है ना, उस पर इल्जाम लगाने के लिए मैंने उसको वहां से भगा दिया। सबसे पहले उसके बेटे को पागल साबित किया। वो भी पूरी तरह से। तो खुद ही पागल है, साइको, तो उसे पागल क्या साबित करेगा? अबे चुप, मैं सच कह रहा हूँ। वो मेंटल हॉस्पिटल में जाकर देख, जिस तरह उसके बाप ने मेरी माँ को पागल बनाया है ना, बिल्कुल उसी तरह मैंने उसके बेटे को पागल बनाया। अपनी माँ को तकलीफ में देखकर जितनी तकलीफ मुझे हुई है ना, ठीक वैसे ही वो बुढ़ा ना अपने बेटे को देखकर तड़प रहा है, बहुत बुरी तरह से तड़प रहा है। ए, तुझे पता है मैंने उसके बेटे को पागल कैसे बनाया? पता है क्या? माँ, मेरे बदला लेने से पहले ही ऊपर वाले ने उसको ना उसके कर्मों का फल दे दिया है। माँ, सच में माँ, एक हादसे में उसकी बीवी की भी मौत हो गई और वो भी लंगड़ा हो गया। लेकिन अभी मेरा दिल नहीं भरा है माँ, उसे मारकर इल्जाम उसके बेटे पर लगाऊंगा और इस गंजे को भी मारकर तू और मैं किसी दूसरे शहर में जाकर सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है ना? hey, तू अपने बाप को मार या ना मार, लेकिन अपनी माँ को जरूर मार डालेगा। घोर क्या रहा है मुझे, उसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया, तो ही खिलाता है तो खाती है, पता है ना? नालायक, फिर भी अनजान बनता है तू, कभी नहीं सुधरेगा। खाना क्यों नहीं खाती है तू? बोल क्यों नहीं खाती है? अगर मैं मर गया तो क्या करेगी, कैसे जिएगी? Thank you.
आप समझ नहीं रही है, डॉक्टर ने कहा है उनसे कोई भी नहीं मिल सकता, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हम क्या करें बताइए। बस उसे देखकर चली जाऊंगी। डॉक्टर ने साफ मना किया है, अरे उसका बाप भी उससे नहीं मिल सकता, चलो दफा हो जाओ। भाई लड़की थी, आराम से बात करना चाहिए तुम्हें। दिमाग खराब कर दिया उसने। प्लीज रमेश, मुझे उससे किसी भी हाल में मिलना है, मैं घर पर किसी को बिना बताए आई हूँ, अगर भैया को पता चल गया तो मेरी जान ले लेंगे। प्लीज उसे बस एक बार देखकर चली जाऊंगी। नाच मेरी जान, अरे नाच 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 नाच। ये लाल गुलाब कितने लाल लाल है। नहीं नहीं, मेरी खोपड़ी के लिए बालों का हेलमेट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेहरबानी करके इसको सलाम कीजिए, नहीं तो ये आपको काट लेगा। देखा ना सर आपने। हाँ साहब, सच्ची में मुझे भी काटा। कहाँ काटा? सांप को काट के दिखाना। अरे सलाम ठोकना भाई, काट लिया तो। गुड मॉर्निंग कर दिया सलाम, अब निकलो यहाँ से। नमस्ते। अरे भाई आप भी से नमस्ते करो, नहीं तो काट लेंगे। समझो नमस्ते। नमस्ते किया ना, अब क्यों काटने को दौड़ रहा है। मैंने आपको पहले ही भाई चल जाएगी, दिवाली की नहीं असली है। आपको पता है इसको थोड़ी ना बताओ ना, बताओ ना कोई इसे किया असली है। चलो चलो जाओ, सब झाड़ू पोछा करो। क्या हो रहा है ये, और वो भी आगे की छुरी के साथ। चलो मारो इसे, जल्दी मारो डॉक्टर। अच्छा तो फिर मुझे मारो डॉक्टर। जानते हो मैं कौन हूँ, इस हॉस्पिटल का डीन। अरे आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? यकीन ही नहीं है, अगर मैंने सच बताया तो ये मुझे पागल समझेंगे। आपको यहाँ कौन लेके आया है? ये लेकर आया। मैं लेके आया हूँ। हेलो डॉक्टर, आपने कौन सी पढ़ाई की? पागलों की। नॉनसेंस, आप इतनी बड़ी पढ़ाई कर चुके हैं और फिर भी इतने इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। नर्स कहाँ है? उधर है। आपका शुभ नाम? सुंदर। नहीं स्वीट हार्ट, सुंदर नहीं, सुंदरी बताया। जी जी। अटेंशन, क्या तुम लेडी डॉक्टर हो? ये भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ मैं, ऐसी मर्दानी नर्स पहली बार देखी है, पटक पटक के मारेगी, थोड़ा ढंग से काम करना पड़ेगा डॉक्टर। मेरा मतलब आपको सबका अच्छे से ख्याल रखना है। नहीं दिव्या, ये शादी ना हो तो ही बेहतर है, मैंने कत्ल किया है दिव्या। ऐसा नहीं है विष्णु, ये सब तुमने अपने होश में नहीं किया है, डॉक्टर ने भी यही कहा। मैं सच कहता हूँ मैं पागल हो चुका हूँ दिव्या, और तुम एक पागल से शादी कैसे कर सकती हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझे कबूल कर लिया ना, अब मैं कैसे तुम्हें छोड़ सकती हूँ। तुम चाहे पागल हो चाहे खूनी हो, लेकिन मैं हर हाल में तुम्हें कबूल करूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। I love you, दिव्या। अरे ये अंदर कैसे घुस गई? ए चल। सुनो, वो तुम्हें भी मार देगा और कहेगा कि याद नहीं रहा। इसका जवाबदार कौन होगा? हाँ। जाओ यहाँ से। ए! ज्यादा चिल्लाओ मत, समझ गए ना? क्या ये कमिश्नर के दोस्त की बेटी है? अबे पहले क्यों नहीं बताया तूने? रुक जाओ, आज उसे खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं इसका। हाँ भैया, सबसे पहले तो उसके दोस्तों का खत्म करेंगे। भैया पहले हमें रूम नंबर 4 में जाना होगा, चलो इससे पूछते हैं। ए, सुन मेरी बात। अच्छा तू ही है? मेरी बहन कहाँ है? बोलता है कि नहीं, कहाँ है मेरी बहन? बोल जल्दी। ए, तेरे दोस्त ही तुझसे मिलने के लिए उसे यहाँ लेकर आए थे ना, कहाँ है वो बोल। तुझे उस रात ही खत्म कर देना चाहिए था, रे नशे में था ना। मेरी बहन कहाँ, अगर तूने नहीं बताया तो। मुंह में जुबान नहीं है क्या बे? बोल। मुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ दे मुझे। अरे बोल।
अरे अरे सुनो, ये आवाज कहाँ से आई? अरे क्या पता, वही तो देख रहा हूँ। हाँ वहां नीचे देखो। अरे बाप रे, अरे लगता है शायद कोई गिर गया। तू यही रहना, मैं थाने में फोन करके आता हूँ, ठीक से ध्यान रखना। चलो हाँ। अरे अब क्या है, क्या है बोलो। ए रुको, तेरा नाम क्या है? राम कुमार है ना? आईडी कार्ड छोड़ के जा रहा है, ये पकड़। शुक्रिया। पता नहीं कहां कहां से दारू पी के चले आते हैं। हाँ, अरे अभी ये कहां गया? इसका काम भी मुझे देखना पड़ता है, इसका क्या करूं? शौक देते हैं, वहां पर शौक देते हैं, मैं मर जाऊंगा। रोज शौक देते हैं, रोज शौक देते हैं। रामू काका को मैंने नहीं मारा, मैं होश में नहीं था, जानबूझ के नहीं मारा है मैंने। हॉस्पिटल में मुझे बंद करके रखते हैं, पुलिस वाले हॉस्पिटल में बहुत सताते हैं। अब पापा को समझाइए ना कि वो मुझे घर में ही रहने दे। पापा कहाँ हैं? ऊपर अपने कमरे में। मैं ही बात करता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है ना, होशो हवास में नहीं किया है मैंने। जानते हो ना, मैं बीमार हूँ, साइकोलॉजिकल बीमारी है। का बेटा, हॉस्पिटल से भाग कर आया हूं मैं, तो जिसे खाई में फेंक कर आया है वो कौन है? मैंने अभी अभी उससे फोन पे बात की है। तेरी शक्ल उसी की तरह है, तूने उसका रूप कहां से लिया? बोल कौन है तू? मुझे बताओ मैं कौन हूं? तेरी मौत हूं मैं। यमराज हूं मैं। उस दिन तुझे तेरे नौकर ने बचा लिया, लेकिन इस बार Thank you.
क्या हो रहा है ऊपर? अरे ये बाप बेटे के बीच का मसला है। कौन है तू? क्या चाहता है? बोल। बोल कौन है तू? बोल। पापा, पापा, पापा कहाँ हैं? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बोलो पापा कहाँ हैं? अरे अभी आप ही तो ऊपर गए थे छोटे मालिक, अभी यहाँ बाहर से कैसे आ रहे हैं आप? वो मैं नहीं, मेरा हमशक्ल है। पापा कैसे हो सकता है? चलो, पापा चलो, जल्दी चलो देखते हैं। पापा तोड़ दो दरवाजा। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। हाँ जी भाई, हाँ चलो 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 भाई। कहाँ है वो? मालिक वो तो भाग गया मालिक, चंदन प्रकाश उनके पीछे गए हैं। हाँ ठीक है, ए पुलिस कमिश्नर को फोन लगाओ। रुक जाइए पापा, कौन था वो? मुझे नहीं पता, तो उसकी शक्ल मुझसे कैसे मिलती है? नहीं पता। ठीक है, वो आपको मारना क्यों चाहता था? मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाला वही शख्स है ना? बोलिए पापा, वही शख्स है ना? मैं नहीं जानता, एटीएम से पैसे निकालने वाला, लड़की की इज्जत लूटने वाला, रामू काका का कत्ल करने वाला और मुझे पागल बनाने वाला वही है ना? बोलिए पापा, मैं नहीं जानता। ठीक है, मैंने आज तक आपको कभी खड़े होते हुए नहीं देखा, आज उसे देखकर आप अपने पैरों पर चल रहे हैं कैसे पापा? हकीकत क्या है पापा, बताइए सच्चाई क्या है? एक्सीडेंट में आपके पैर नहीं गए थे ना पापा? और मेरी माँ भी एक्सीडेंट में मरी थी, ये सब झूठ है ना? बोलते क्यों नहीं? मेरी माँ जिंदा है या फिर उनको भी खत्म कर दिया? आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आखिर ये सब नाटक किस लिए पापा? सिर्फ तेरे लिए, ताकि तू खुश रह सके। पिछले 25 सालों से इस राज को अपने दिल में दबाए, जिस पैर पर मैं चल फिर सकता हूँ, आम जिंदगी जी सकता हूँ, तो एक कुर्सी पर बैठकर अपाहिज की जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, समझा? तेरे लिए, तेरे लिए। आप तो गुरुजी से भी आगे निकल गए। ओह, ये क्या कर रही हो? मैं उम्र में आपसे कितना छोटा हूँ, तो मेरे पैर क्यों छू रही हो? उम्र में तो हमसे छोटे हो, लेकिन नृत्य में उस्ताद हो। बिल्कुल सही। तुम्हारा जवाब बस कीजिए उस्ताद।
कभी इस घर में तो कभी उस घर में शादी रहती थी, अब तो इस घर में होने वाली है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। किसकी? अपने मालिक की और किसकी, उनकी शादी तय हो गई, तुझे पता नहीं? कैसे नहीं पता? बेचारी लड़की, इतने बड़े घर में शादी हो रही है, कितने नसीब वाली होगी वो, राज करेगी? रहने दो, पैसों से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती। हर लड़की का पति मर्द होना चाहिए, चाहे दिखने में कैसा भी हो, यही जरूरी होता है। चुप कर, निकल जाए यहाँ से, कल से आने की जरूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से, निकलो। मैं तो जा ही रही हूँ, मेरे चुप होने से हकीकत नहीं बदलेगी। बड़ा आया मुझे निकालने वाला। क्या बात है बेटा, खाना खाया? ले पान खा ले। माँ। बोल बेटा। मैं शादी नहीं करना चाहता माँ, अब तुम ही सोचो ना, मुझे कितनी लड़की वालों ने देखा लेकिन किसी का बुलावा आया और उन्होंने कहा फोन करके बताएंगे या किसी के हाथों खबर भिजवाएंगे या पहुंचकर चिट्ठी लिख देंगे। इस तरह से हजारों बहाने बनाकर एक भी लड़की वालों का जवाब नहीं आया। कैसी बेकार की बातें कर रहा है, उन लड़कियों के नसीब में तू नहीं था, लेकिन तू तो मेरा राजा है। तुम्हें तो पता ही है कि माँ बाप के गुण बच्चों में आ ही जाते हैं, लेकिन मुझमें ही कुछ कमी है, ये तो हकीकत है ना माँ। तुझमें कोई कमी नहीं है, तू मेरा शेर है। वो तो तुम्हारे लिए हूँ ना। देखा जाए तो दुनिया में हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तो क्या सभी लोग कुमारे ही बैठे रहेंगे? इसका मतलब मुझमें भी कोई तो कमी है ना माँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं एक कलाकार हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी कि तुम भी वही बनो, इसने तुम्हें सिखा दिया। अब तुम मुझे ही देख देख कर बड़े हुए हो, मैं जैसा करती थी वैसे ही आदतें तुम्हारे अंदर भी आ गईं। छोड़ो ना माँ, कल अगर मेरी शादी हो जाती है तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे या लड़की छोड़ के चली गई तो उसके बाद मैं क्या करूँगा माँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ, मुझे जिंदगी भर तुम्हारी खिदमत करनी है। और मैं मर गई तो? आज के बाद ऐसा मत कहना माँ, तुम मर गई तो मेरा क्या होगा माँ? कुछ नहीं होगा, जिंदगी भर मेरे आगे पीछे चक्कर काटेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे कहने पर मैंने शादी कर ली और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो लोगों को तो बहाना ही चाहिए, उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारी माँ है ना उसके लिए। नमस्ते आंटी, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। और सुन, तुझसे शादी हो रही है, मेरी बेटी सच में नसीबों वाली है। बिल्कुल सही कह रही है, सुन लिया तूने? तुम्हारी दोस्त है ना, इसलिए हाँ में हाँ मिला रही है। बेटा ये दोस्त की बात नहीं है, मैंने तुम्हें बचपन से गोद में खिलाया है तो तुम भी मेरे बेटे हुए। मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, तुम्हारी फोटो, तुम्हारी डांस की वीडियो वो भी भेजी है उसे। सब देखने के बाद ही मेरी बेटी का फोन आया है मुझे। क्या कहा उसने? उसने हाँ कह दिया। क्या हुआ? अरे इसे छोड़ो, और क्या कहा उसने? उसने शादी के लिए तुरंत मुहूर्त निकालने के लिए कहा है। थोड़ा रुक जाइए ना आंटी। फालतू की बातें कर रहा है, कान खुलकर सुन ले, अगर शादी के लिए मना किया तो मेरा और तेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। हाँ, अब से तू सिर्फ और सिर्फ शादी के बारे में सोचेगा। चलिए आइए। उस पर ध्यान मत दो, सुनो तू फिक्र मत कर, मैं सब देख लूंगी। हाँ और हाँ, अगर देखना चाहो तो सुनो, उसकी तस्वीर वहाँ रखी है, शादी के बाद जोड़ी अच्छी लगेगी। जल्द से जल्द वर को बुलाइए। कितनी सुंदर लग रही है ये। मालकिन, मिनिस्टर साहब आए हैं। आइए 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 आइए। नमस्कार, यहाँ ये ना। नमस्ते, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ आए। ये मेरी संबंध है। बहुत उतावली और बस भी करो।
क्या हुआ? देखना वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तूने देखा नहीं था क्या? तस्वीर देखी थी लेकिन वीडियो तो देखा ही नहीं। मैं वही सोच रही थी कि तू इस शादी के लिए तैयार कैसे हो गई आखिर। मुझे लगता था किसी मशहूर शख्स से शादी करेगी, इसके लिए यहाँ क्यों कर दी? अब तो बहुत देर हो चुकी है, तू चुपचाप शादी कर ले। ए, क्या कह रही है तू? दिमाग खराब है? तमाशा मत करो, यहाँ जाके मंडप में बैठो। मुझे ये शादी नहीं करनी, माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी बात सुनो। ए, कितना बड़ा खानदान है पता है? अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं नहीं, तुम मेरी जिंदगी खराब कर रही हो। मुझे मारने पे मजबूर मत कर, जा मंडप में बैठ। सुनो माँ, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। ये शादी कोई खेल नहीं है माँ, ये मेरी जिंदगी है और फैसला भी मेरा ही होगा। ए, मेरी बात तो सुन। अरे रुक जा बेटा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर। तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, लड़का बहुत अच्छा है। सिर्फ अच्छा ही होना काफी नहीं होता है माँ, उसे मर्द भी होना चाहिए। तू गलत समझ रही है। मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ माँ, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, जा रही हूँ। अरे बेटा मेरी बात तो सुन, वो एक कलाकार है। हाँ, देख रही हूँ मैं कैसा है वो। देखो सुनो, तुमने फोटो तो देखा था ना? सामने से नहीं देखा था, तुम पर यकीन करके मैंने हाँ कह दिया। अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो माँ, जाइए। देखो बेटी, मालकिन तुम्हारे भले के लिए। नहीं सुनना। बेटा बेटा सुन तो, सुन मेरी बात। माँ आप ऐसे रोइए मत, मैंने पहले कहा था ना मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन तुम्हारी ही जिद थी। खैर जाने दो, अब से ना तुम ऐसे शादी कर लो बेटा, शादी कर लो बेटा, ये जिद मत करना। चलिए अब ऊपर चलते हैं। माँ तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा। देखो मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ देखो, माँ मैं तुम्हारा हर कहना मानूंगा। माँ मैं शादी करूंगा। माँ माँ देखो मेरे लिए अपने आंखें खोलो। माँ तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारा हर कहना मानूंगा माँ, लेकिन अपनी आंखें खोलो। माँ मेरे लिए अपनी आंखें खोलो। माँ तुमने कहा था ना माँ कि अगर मैं ये शादी नहीं करूंगा तो तुम मर जाओगी, तो मैं तैयार हुआ था ना माँ। बाप रे, माँ को सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ आंखें खोलो। माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ तुम्हें मेरी कसम है, मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा। मेरी माँ, मैं माँ के बिना नहीं जी सकता। क्यों छोड़ के चली गई मुझे माँ, क्यों चली गई मुझे छोड़ के। Ha ha ha.
रिश्ता तोड़ रहा है। तुम हो बेटा, आओ। घर पर तो कोई नहीं है। मालकिन बिटिया की कुंडली दिखाने पंडित के पास गई है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ ना मालकिन घर पर नहीं है। लड़की कहाँ है? वो तो ऊपर है। ए, कहाँ जा रहे हो? मालकिन घर पर नहीं है, बोला ना। ओ, 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 ए, उसको पकड़ो। अरे समाज में तुमको ठुकराया तो समझ में नहीं आता, फिर भी उससे मिलने जा रहे हो, बेशर्म। ए, ऐसे क्या देख रहा है? और बेइज्जती करवानी है क्या? किसी में कोई कमी है तो वो करके दिखाना पड़ता है, तभी लोग समझते हैं। बस मैंने भी वही किया है, समझी? अपनी मर्दानगी साबित की है।
छोड़ो मुझे, रुको, छोड़ो। मैंने आज एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, मुझे खुद से नफरत हो रही है, मैं खुद को देखना नहीं चाहता। रुक जाओ। क्या मालिक, ये सब क्या कर रहे थे आप? समझ में आ रहा है आपको? उसकी जिंदगी बर्बाद करके मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तो क्या खुद को मार डालना चाहते हैं आप? मुझे खुद से नफरत हो रही है क्योंकि मैंने जो किया वो तो गुनाह ही है ना। जो होना था वो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको आपकी गलती सुधारनी ही है तो उस लड़की को अपने घर ले आइए, दूसरा रास्ता ही क्या है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मालकिन, छोटी मालकिन की हालत तो देखिए, हफ्ते भर से पागलों की तरह चिल्लाए जा रही है, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर। वो सब मुझ पे छोड़ दो, कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। डॉक्टर, इस बच्चे को गिराने का जिक्र मेहरबानी करके किसी को मत कीजिएगा प्लीज। इसीलिए तो दवाई अपने पास से दे रहा हूँ, इसे बस वक्त पे खाती रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जरा ध्यान दिया करो अपने ऊपर। जब तक मैं हूँ चिंता नहीं है। आपका शुक्रिया डॉक्टर। उसकी जरूरत नहीं है मैडम, मैं तो इसी के लिए हूँ। नेक्स्ट। जाओ। अरे किस तरह के डॉक्टर हो तुम? नाम की डिग्री ले रखी है, बच्चा तो गिरा नहीं, सिर्फ फर्जी का कोट पहन रखा है। अरे कोट कहाँ? अरे कोट तो पीछे है। मजाक कर रहे हो? देखिए गलत बात है, ठीक नहीं है। ये देखो मेरा पेट भी बाहर आने लगा है, कैसे डॉक्टर हो तुम? बच्चा गिरा या नहीं है जानने में 5 महीने लग गए। अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो, अरे अरे मेरी दवाइयाँ, अरे वो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, बर्बाद मत करो। अरे पुलिस, पुलिस, अरे पुलिस आके बचाओ मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। देख रही हैं, आपकी लड़की तो मेरी जान ही ले लेती, मेरी तो इज्जत ही उतार दी इसने। अरे अब रो के क्या मिलेगा, कोई कुछ भी कर ले होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। अब ऊपर वाला चाहता है कि बच्चा हो तो होने दो ना। वैसे करने को तो मैं भी कुछ कर सकता था, लेकिन क्या है कि उससे इसकी जान को खतरा हो जाता। मेरे साथ ऐसा करके तुम्हें क्या मिला डॉक्टर? अरे तुम मर जाती तो मैं जेल चला जाता, यहाँ मरीजों को कौन देखता भाई। तुम्हें पता ये हॉस्पिटल बनाने में मुझे कितना वक्त लगा है, अभी वसूली बाकी है। वैसे एक बात बताऊं, मैं तो क्या दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जिसको आना है उसको कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। डॉक्टर होने की वजह से मेरा काम है लोगों की जिंदगी बचाना, आपका फ्रेंड होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उम्मीद करिए कि बच्चा होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका शुक्रिया डॉक्टर। उसकी जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट। अरे रे। लाइए माँ जी, इसे मुझे दीजिए, ये तो मेरा खून है, इस पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ यही मेरा है, मुझे दे दीजिए ना। आपकी बेटी तो मुझे कभी नहीं अपनाने वाली, और मैं भी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता माँ जी, इस बच्चे की परवरिश मैं खुद करूंगा। मेरी माँ होती तो आप इनकार नहीं करती ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है माँ जी, दे दीजिए। लो बेटा। बस तुम्हें अपनी गोद में लेकर मैं और रामू इस शहर में आ गए और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उसके बाद मैंने कभी तुम्हारी माँ को नहीं देखा, मेरी माँ के साथ साथ तुम्हारी माँ को भी मैंने खो दिया। और आज मेरे जीने की वजह अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो बेटा, क्योंकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है, जो बेइज्जती मैंने सही है बेटा, उस दर्द का सामना तुझे ना करना पड़े, इसलिए मैंने अपाहिज होने का नाटक किया ताकि मेरे जैसी आदतें तुझ में ना आए। बस ऐसी ही जिंदगी पिछले 25 सालों से मैं गुजार रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए ही बेटा, ताकि तू बड़ा होकर एक बेहतर जिंदगी गुजारे, तेरे ऊपर कोई बुरा साया ना आए बेटा।
इसलिए मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन तेरी हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद कौन कर रहा है और वो तेरे जैसा क्यों है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। और वो मुझे क्यों मारना चाहता है ये भी मुझे नहीं पता बेटा, क्योंकि वो शहर छोड़ने के बाद मैं तुझे सीधे यहीं लेकर आ गया था। और पुरानी जिंदगी से सच कहता हूँ मैंने कोई रिश्ता नहीं रखा, फिर भी पता नहीं क्यों बेटा ये बुरा साया तेरे पीछे पड़ा हुआ है। आपको पहचानने में मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए पापा। बेटा नहीं, यही है कमिश्नर साहब। सुनो राजीव सर, ये लो नाम है जीवा। yes, दो घंटे के अंदर मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, तो फौरन काम पे लग जाओ। ठीक है। अब आपके नौकर की हालत कैसी है, वो अब ठीक है? अब वो ठीक है, काफी सुधार है। आप फिक्र मत कीजिए सर, बाकी हम संभाल लेंगे। पापा क्या है बेटा, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ पापा। आज तुम्हारी माँ कहाँ है और किस हालत में है मुझे कुछ भी नहीं पता। वो मेरी माँ के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तेरे हाथों से वो खाना खाती है पता है ना, इतने दिनों से कहा था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी इसीलिए यहाँ भर्ती करवाया। तो यही हॉस्पिटल मिला था क्या? हेलो, यहाँ शोर मत करो, बाहर जाके बात करो। वो दो नहीं है इंस्पेक्टर साहब, एक ही है। उसका बाप उसको बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। सुनो, तुम दोनों की वजह से ही कमिश्नर साहब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। और इसी बात का पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो झूठ मत बोलना और सच सच बताना कि उसने तुम्हें कहाँ पीटा और किस तरह पीटा, समझ गए? मुझे बिल्कुल करेक्ट फ्रेम चाहिए, समझ में आया तुम्हें? हमें कैसे पटक के मारेगा, वो तो धक्का मुक्की में हड्डी इधर उधर हो गई। देखो मुझसे चालाकी मत करना। हम दोनों भाइयों को उसने उठाकर पटक दिया था सर, कहाँ से? चौथी मंजिल से। चलो वही जाकर मुझे रिप्लाई दिखाओ। चलिए सर, जल्दी आइए, लिफ्ट बंद हो जाएगी। आ रहा हूँ सर। वो पुलिस लोग हैं ना? सॉरी सर। सर जल्दी आइए, लिफ्ट बंद हो जाएगी। अरे लिफ्ट चली गई। सर आप वहीं रुकिए, हम नीचे आते हैं। ए, मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो। तो चुप रहे, चुप। हवाले कर दो। जाओ तुम ही जाओ, जाओ। जाइए पहले, आ जाइए। नीचे इंस्पेक्टर वेट कर रहा है, तू नहीं दे क्यों भेजा? जानबूझकर भेजा ताकि वो नीचे जाए और इंस्पेक्टर उसको पकड़ ले। सॉरी, मेरी बात को समझो, पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दो। मेरे पास सिर्फ यही चांस है, पहले अपने बाप को मारूंगा उसके बाद सरेंडर। मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए मैंने पुलिस को सब बता दिया था। ऐसे क्यों देख रहे हो, घर पर पुलिस तुम्हें पूछने आई थी। मैंने सच्चाई बता दी वरना पुलिस मुझे भी अंदर कर देती। तुम जाकर सरेंडर कर दो। ये देखो पुलिस। अब सर वो तो मुझे देखने से ही मुजरिम लग रहे थे। तुम क्या पुलिस लग रहे हो? ए, जाओ जाकर ऊपर देखो, हर माले पर जाकर चेक करो कि लिफ्ट कहीं पर रुकी है या नहीं। जल्दी जाओ। लिफ्ट अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो, लिफ्ट यहाँ पर है। सच में तूने पुलिस को बता दिया? हाँ बताया, सब सच बता दिया। तुझे क्या लगता है मैं इस खिलौने से डरता हूँ? ये क्या है, ये क्या है? देख भाई मैं इससे डरता नहीं हूँ, इसे हटा ले। अरे जल्दी हटा भाई, हटा इसको। कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? शायद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आप आइए जीजा जी, बड़ी जल्दी घूम के चले आए भाई। जल्दी बटन दबा। उसकी आंखें देखी, पुलिस वाले के डर से उसकी आंखें काली से नीली हो गई। बड़ा होशियार बन रहा था। सही कहा। क्या हुआ? सर देखिए ना, यहाँ पे खून हो गया है। क्यों खून किया इसका? क्या कहा, हमने खून किया? नाटक बंद करो, बताओ क्यों मारा इसे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? खून करने की वजह बताओ। सर हमने जानते, ऊपर से लिफ्ट आई तो उसमें लाश थी। खून किसी और ने किया है, ये लोग तो बेकसूर हैं सर। देखिए ना कितना बड़ा फरिश्ता है, एकदम सच बोल रहा है ये। सर आप ही आके बता दीजिए। तो सर ही बता देंगे तो लोग मुझे पागल करार कर देंगे। वो खुद पागल होने की बात कर रहा है, उसके गवाही लोगे। सर
प्लीज गवाही दे दीजिए। अरे गवाही मैंने आज तक अपनी नहीं दी, तुम्हारी क्यों? चलो इन लोगों को गिरफ्तार करो, गाड़ी में बैठा। चल 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 अभी। चल बोलो ना। चल जाओ जाओ। अरे मुजरिम यही कहता है। सर लिफ्ट के साथ लाश भी उड़ जा रही है। क्या? अरे ये रखो। अगर सच्चाई बताई तो लोग मुझे पागल करार कर देंगे, इससे अच्छा मैं निकल ही लेता हूँ। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ क्यों खून किया तुमने, बताओ मुझे। जो भी है मुझे सच सच बता दो। डर गए ना? मैं नहीं डरता, बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। ठीक है उसे छोड़ो, बताओ कब मिलोगी मुझे? मेरे पापा ने बहुत स्ट्रिक्टली मुझसे कहा है कि शादी से पहले मिलना जुलना नहीं है। तुम्हारे पापा एकदम सर्किट है। शादी से पहले पापा को सर्किट बुला रहे हो, शादी के बाद तो शॉर्ट सर्किट बोलने लगे। मैं मजाक कर रहा था। लव यू डार्लिंग। अच्छा वो निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही होंगे। पहुंचने वाले? अरे मैंने तो कुछ पहना भी नहीं है। क्या सच में कुछ नहीं पहना है? अरे शॉर्ट्स पहने हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं रखता हूँ, बाय, मुझे तैयार होना है। यू जिसने आपको मारने की कोशिश की वो वाकई बहुत ही खतरनाक है। जिसने उसकी परवरिश की आज उसी ने उसका कत्ल कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ शंकर जी, आप एकदम होशियार रही और मिनिस्टर साहब ने आपकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा है, इसलिए मैंने यहाँ इतना सारा इंतजाम किया है। आप हमें इत्तला किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और मेरी बातों को नजरअंदाज भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे बीच में अब किस रूप में आएगा ये हमें नहीं पता। आज तक तो वो इनके रूप में आया था, हो सकता है कल वो आपके रूप में आए। वो कहाँ रहता है वो तो पता चल गया है, उसके साथ एक बूढ़ी औरत रहती, उसे लेकर वो गायब हो गया, लेकिन कहाँ तक बचेगा हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। देखो सर। तो इतनी सिक्योरिटी है जैसे लग रहा है हम लोग पार्लियामेंट में आए हैं। नमस्ते सर, पापा बैठिए। बैठिए ना, बैठिए ना। क्या हुआ दामाद जी, आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात? इनकी होने वाली नहीं आई ना इसीलिए। आइए बैठिए। अरे पैर फैला के बैठिए ना आप। हाँ इनसे मिलिए। इनकी तो फोटो आती रहती है। नमस्ते साहब। वो मेरा जुड़वा भाई है। इंस्पेक्टर साहब पहले इसको अंदर डालिए ना। मेरा कहने का मतलब था इसके जुड़वा को अंदर डालिए। क्या हुआ दोनों तरफ सर हिला रहे हैं? इनको जो करना है करने दो, गर्दन के बाद कुछ और तुड़वाना है क्या? समधी जी जो हुआ उसे भूल जाइए, आपका बेटा बेकसूर है ये हमें पता लग चुका है। हमने पंडित जी से बात कर ली है और उन्होंने 15 तारीख का मुहूर्त निकाला है, बस यही बात बताने के लिए हम आपके पास आए हैं। आगे आपकी क्या राय है? सॉरी सर, जब तक हम उस बैरूपी को पकड़ नहीं लेते तब तक ऐसा कुछ मत कीजिए आप। आप पकड़े ना पकड़े लेकिन ये शादी होकर ही रहेगी। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे नसीब में दूल्हा बनना नहीं लिखा था, लेकिन मेरा बेटा तो जरूर दूल्हा बनेगा, ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन सर खतरा हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, ये शादी देखे बिना मैं मरूंगा नहीं और मुझे कोई नहीं मार सकता। वॉशरूम ऊपर है क्या? नीचे भी है। नहीं मुझे ऊपर ही जाना है। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन इस शादी में बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है सर? ओके। एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? जरा अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ मैं। इस वक्त जाना सही नहीं है, आप बाहर ना जाएं तो ही बेहतर होगा। नहीं सर, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा ना। बात समझने की कोशिश कीजिए सीपी साहब, शादी होने वाली है, दोस्तों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता होगा। आप इसके साथ कुछ पुलिस वाले भेज दीजिए। हाँ ठीक है सर। आइए सर बैठिए। खून खून, अरे दूल्हा यहाँ पड़ा हुआ है, आप लोग जल्दी आइए। अरे तुम कैसे चिल्लाते हो भाई, मैं तो एकदम से घबरा ही गया। सॉरी सर। ये क्या कह रहे हैं, इतनी देर से खूनी हमारे साथ ही बैठा था पापा। अरे वो तो भाग गया ना। आप लोग ने देखा ना वो कितना शातिर है, इस बार उसने एसीपी को भी बेवकूफ बना दिया, वो कुछ भी कर सकता है। वो भाग के कहीं नहीं जा सकता, मेरे लोग इसे ढूंढ लेंगे। क्या कहा, वो भाग गया? मैं कह रहा था कि वो शातिर है। हमें मारकर वो भाग निकला सर, हम लोग बहुत घायल भी हुए हैं। हाँ ठीक है, फौरन एम्बुलेंस भेजो, एमजी रोड पे हमारे आदमी घायल हुए, उन्हें एम्बुलेंस चाहिए। ठीक है सर। दिस इज टू मच। इतनी देर से कह रहे थे कि पुलिस हिफाजत करेगी, अब पुलिस को हिफाजत की जरूरत पड़ गई। शट अप।
हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? जिस दिन तेरे घर की शादी है उसी दिन मारूंगा मैं तुझे, समझा? ऐसी धमकियों से मैं नहीं डरता। क्यों, क्या तू शादी कैंसिल करने की सोच रहा है क्या? किसी भी कीमत पर ये शादी कैंसिल हो ही नहीं सकती, समझाना? उसी दिन और उसी मुहूर्त पर उसी जगह पर बड़े ही आलीशान तरीके से ये शादी होगी। अब अगर तू खुद को मर्द बोलता है और जिगर वाला है तो ये शादी रोक के दिखा। ये शादी ही नहीं रुकेगी, मैं तुझे भी मारूंगा। तेरा आखिरी दिन होगा, मौका नहीं दूंगा तुझे। आ जा बेटा, चैलेंज। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? ये ना, ये बदर टेरेसा हॉस्पिटल के बाहर का टेलीफोन बूथ है। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर मेहमान आपका इंतजार कर रहा है। जिस पर भी शक हो उसे बिना तलाशी लिए अंदर बिल्कुल मत जाने देना। पैर के नाखून और सर के बाल सब पे नजर रखना। ठीक है सर। वो बहरूपिया रूप बदलने में माहिर है। ए, पानी बाद में खाली करेंगे, पहले जाकर अंदर से साइन लेके आ जा। ठीक है भाई। यहाँ पर इतनी आपके समझे अब तक नहीं आए? सर वो कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो असली वक्त पे आ ही जाएगा। अरे पर उन्हें रूप बदलने की क्या जरूरत तो है? हमें भी नहीं पता है सर कि वो किस रूप में आ जाएगा। अरे मोहतरमा, आइए आइए। धनलक्ष्मी, माफ कीजिए सर। टेंशन में क्यों हो, कोई प्रॉब्लम है? अरे शादी होने तक तो टेंशन है ना, और पापा अभी तक आए नहीं। तुम फिक्र मत करो, वो आते ही होंगे। नहीं जा सकते, प्लीज आप इस तरफ आइए। ठीक है सर। Thank you.
से निकलो। लेकिन कहाँ पापा? तुम पहले जल्दी निकलो यहाँ से। चलो से घेर लिया है, अब वो कहीं नहीं जा सकता है। Everybody, follow me. सर, उसके हाथों में बहुत सारे बॉम्ब, AK-47 गन भी है सर। आपको दिमाग से फैसला लेना होगा, नहीं तो कुछ हो जाएगा। hey, अगर ऐसा है तो तुम अंदर जाओ ना। नहीं सर। hey, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे अंदर जाके पकड़ क्यों नहीं लेता? मंगल सूत्र बांधो। वो सब रहने दीजिए पापा, पहले आप यहाँ से निकलिए। वो आपका कत्ल करना चाहता है पापा। मौत का खौफ मुझे नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारी शादी देखे बगैर मैं नहीं मरूंगा। लो पहनो। क्या हुआ? तू एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता था ना बेटा? देख ये रही तेरी माँ। यही है तेरी माँ। तेरी ये ख्वाहिश भी मैंने पूरी कर दी, ये तुझे आशीर्वाद देने आ गई है बेटा। अब बांध दे मंगलसूत्र। तुम सरेंडर करोगे या नहीं? सर, बार बार यही क्यों पूछ रहे हैं? अंदर क्यों नहीं जाते? जाकर पकड़ लीजिए ना। ए चुप। नहीं पता है ना तेरी इस हालत का जिम्मेदार यह है जो तेरे सामने है, और तू इसको ऐसे ही माफ कर देगी? ए, इतने सालों तक तुझे मैंने संभाला और आज तू इसके साथ खड़ी है? क्या हुआ, भूल गई क्या? अरे माँ, तुझे मैं खाना खिलाता था और आज ये चाहिए तुझे? तुझे कितने तकलीफ से संभाला है मैंने, क्या वो ये दिन देखने के लिए? माँ, मैं क्या पागल हो गया हूँ? भूल गए ना, एक एक निवाला खिलाता था अपने हाथों से। पहले तो तुझे मार देना चाहिए था। तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा गला दबाऊंगा, गला दबा के मार दूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। तू जरा भी हिलाना तो तुझे मार दूंगा। ए विष्णु, अपनी पत्नी और अपनी माँ को लेकर निकल यहाँ से। लेकिन आपको छोड़ के मैं नहीं जा। जल्दी निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। लेकिन माँ, जा यहाँ से। जल्दी से निकलो यहाँ से। Oh!
वाले फिर भी यहीं पर खड़े हैं, यहाँ से कुछ नहीं हासिल होने वाला। मेरे पापा अंदर है सर, आप मुझे गन दीजिए, मैं उसको मार दूंगा। मेरे पापा खतरे में हैं सर, चलिए उन्हें बचाते हैं सर। वो बहुत खतरनाक है, उसके अंदर हर जगह बम लगा रखे हैं, हम ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं, समझो। बॉम्ब स्क्वाड अभी तक क्यों नहीं आया? बस आते ही होंगे सर। आते होंगे? सब खत्म होने के बाद आएंगे क्या? मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? मैं भी तेरा ही खून हूं। मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद करके, उसे पागल करके, उसे छोड़कर चला गया तू, इसलिए मैं तुझे मारना चाहता हूँ। रुक जा, इनकी वजह से मेरी बेटी पागल नहीं हुई है, तेरी वजह से हुई है। मौसी? हाँ बेटा, जब तुम हॉस्पिटल से विष्णु को लेकर चले गए तब इसे फिर से दर्द हुआ और इसका जन्म हुआ। ये तुमसे नहीं मिलना चाहती थी, इसीलिए सब कुछ बेचकर इसने मुंबई शहर में एक नया घर ले लिया। तुम्हारे साथ मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया, शायद उसी की सजा ये जिंदगी भर भुगत रही है। हमें बेवकूफ बनाकर उन लोगों ने सब कुछ हमसे लूट लिया। महलों की रानी एक झोपड़ी में रहने लगी और एक छोटी सी नौकरी करके अपना गुजारा करने लगी। उसका बच्चा ही उसकी जिंदगी थी, और मैंने एक दिन उसे सब कुछ सच बता दिया कि उस दिन तुमने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था बेटा, और मैंने ये बात तुमसे छुपाई थी। माँ चलिए ना, उनके पास चलते हैं। चलो माँ, वो हमें अपनाएंगे ना? तुझे वो अपनाना ही चाहता था। एक दिन तुमसे मिलने की जल्दबाजी में वो तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने बाजार गई। मेरा बच्चा। उसे लगा उसका बच्चा ट्रक के नीचे आके मर गया है, और इसी सदमे में वो पागल हो गई। अपने बच्चे के अलावा वो किसी को नहीं पहचानती थी। एक दिन मैं उसे लेके तुम्हारे पास ट्रेन से आ रही थी, न जाने बीच में कौन से स्टेशन पे उतर गई। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ मैंने इसकी तलाश नहीं की। एक दिन मेरी नजर इस पे पड़ी तो मैं समझ गई कि आप इसी शहर में कहीं हैं। शादी के बैनर में आपकी तस्वीर देखकर ही यहाँ पहुंची हूँ। आप इसे माफ कर दीजिए, ये आपकी ही औलाद है। ए,
वैसे तुझे नहीं मरना चाहिए, मुझे मरना चाहिए। ये ले, मार मुझे, अपने हाथों से मुझे मार। हा? अरे मैं ही मरना चाहता हूँ। नहीं होगा मुझसे। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं एसीपी साहब, रहने दीजिए। इसकी कोई गलती नहीं, असल में जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। इसकी नजर में मैं गलत था, इसलिए इसने ऐसा किया। मुझे कोई शिकवा नहीं, मेहरबानी करके इसे कुछ मत करना सर, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। पापा, इतने सालों तक मेरी पत्नी की देखभाल की, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। पापा, खालो खालो, इतने प्यार से बनाया है, मना मत करो खाने को, खा लो ना, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। मेरे हाथों से नहीं खाएगी, मैं तेरी माँ हूँ ना। चल मुँह खोल, अपनी बहू के हाथों से खा लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं खाना। थोड़ा सा खा लो बेटा, थोड़ा सा खा लो बेटा। वहाँ देखिए, कौन है? उन्होंने एक बेटे के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी और दूसरे बेटे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। माँ, मुझे फक्र है कि वो मेरे पापा हैं और मैं खुश नसीब हूं कि मैं उनका बेटा हूं।